अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आज खैरियत से होंगे। आज का नया व्लॉग है। इस वक्त मैं सेवन ब्रदर्स पे हूँ। गर्मी काफ़ी है, मगर ये कि इस वक्त बादल आए हुए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। पुला के रिगार्डिंग काम चल रहा है, इसका पेंट पील ऑफ किया गया है और काफ़ी अच्छी चादर नीचे से निकल आई है। मैं मज़ीद आपको क्लोज़अप लुक दिखाता हूँ। इस गाड़ी में पहले चारों दरवाज़े, फेंडर, बोनट, ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी और यही वजह है कि ये अभी अच्छी कंडीशन में है। फ़िलहाल इसका पेंट पील ऑफ किया जा रहा है। कुछ सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढें काबली जेन्युइन देसी सामान की अवेलेबिलिटी तो है, पर हम कोशिश कर रहे हैं ओरिजिनल चीज़ मिले ताकि अच्छा काम हो। आगे से गाड़ी थोड़ी सी हिट हुई थी जिसकी वजह से आपको गाड़ी अनबैलेंस नज़र आ रही होगी और गाड़ी का मुँह आगे से झुकाव की तरफ है, इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इसमें एक काम तो ये होना है, ये वाला मसला ख़त्म करना है। उसके अलावा इसके फुटबोर्ड पहले भी नए डाले थे तो ये अभी फिर से हम इंशाल्लाह नए डालेंगे। और इसके अलावा इस टाइप की गाड़ी में आप देखें पहले से बॉडी भी साफ़ है, इतना बड़ा काम नहीं है। तो इस तरह का अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो तो ये जल्दी हो सकता है। अब जैसे कि वो एक प्रोजेक्ट करा हुआ है टोयोटा करोना, तो देखें उसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से कि 88 खड़ी हुई थी तो उसका यानी कि काम लंबा हो जाता है क्योंकि वो एक काम की जगह मज़ीद काम खुलते जाते हैं। ये मैं मज़ीद आपको ज़रा दिखा दूँ ये वाली साइड, तो इस साइड से भी सारा पेंट उतार लिया गया, क्लियर हो गया। पीछे से डिक्की भी इसकी काफ़ी साफ़ सुथरी है, ये देखें। तो ये साइड भी वो आ गया। ट्रंक पे जाते हैं तो ट्रंक तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है जी, इसमें रस्ट वग़ैरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। इस वक्त गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो ये है पुरानी ओल्ड स्कूल टोयोटा करोला जिसके हवाले से प्रोजेक्ट चलना है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है, रस्ट वग़ैरह की कंप्लेंट नहीं है, डेंट वग़ैरह नहीं है उस तरह, तो ये प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा। ये देखें जी होंडा सिविक हैचबैक जो यहाँ पर चल रहा था, रिस्टोरेशन बॉडी का जो काम था वो सारा क्लियर हो चुका है। अभी वायरिंग का सारा काम किया जा रहा था, इसका वायरिंग का भी तकरीबन हो गया था। अब एसी वर्क था साथ साथ तो वो अभी कर रहे हैं, उसामा भाई उस पर वर्किंग कर रहे हैं। इसके बाद बस इसका बम्पर पेंट होना है, छत पेंट होनी और इंशाल्लाह ये गाड़ी वापस से अपनी फिटिंग्स पे आ जाएगी और फिर चली जाएगी वापस जी। अब हम चलते हैं पेंट बूथ की तरफ और आपको दिखाते हैं पेंट बूथ में आज क्या है। तो बेसिकली पेंट बूथ में अंदर एल्टो खड़ी हुई 660 वाली जो आपको दिखाई थी, इस पर प्राइमर वगैरह अप्लाई हो गया है, दरवाज़ों पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब पेंट के लिए इसकी कवरिंग की जा रही है ताकि फिर इस पर पेंट अप्लाई हो जाए। अब चलते हैं आगे, आपको 2006 वाली करोला दिखाता हूँ पर डिफरेंट गाड़ियों के बम्पर्स वगैरह पड़े हैं जो रेडी टू पेंट है। ये भाई मेहरान के बम्पर पे काम कर रहे हैं। ये 2006 वाली करोला, इस पर प्राइमर वगैरह अप्लाई हो गया था, अब वो दरवाज़े वगैरह सारे उतार लिए हैं, अब इनर जितना है उस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। ये भाई सफाई वगैरह कर रहे हैं साथ, अब वो दूसरे भाई इंजन बे में हैं, इंजन बे की सफाइयाँ डिटेलिंग्स वगैरह हो रही हैं। ये इस गाड़ी का बाकी सामान पड़ा हुआ है, बम्पर पड़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई हैं। ये दूसरी साइड है इसकी, ये देखें जी, तो ये वाली साइड भी क्लियर हो गई है, झड़पे वगैरह रेडी हो रही है, सैंडिंग आपको नज़र आ रही होगी हो गई भी है, फुटबोर्ड पे माइनर जो पुटीन वगैरह लगानी होती है वो भी लगा ली गई है। ये अब इंजन बे की सफाइयाँ हो रही हैं, नोज कट इसमें डाला था तो वो उसकी सफाई करेंगे, पेंट होगा। उसके अलावा एक ये सिविक खड़ी हुई है जी, ये ब्लू वाली सिविक आ गई है इस साइड पे, इसका बम्पर होना है पेंट और वो डोर का मैंने आपको बताया था माइनर डैमेज है, उसको करेंगे करेक्ट। बम्पर फुल पेंट होगा और इस पर लिप लगा लिया गया है, तो लिप का है, बैक का भी लिप लगाया है तो वो भी पेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये BRV आपके सामने उस दिन पेंट हो रही थी, हो चुकी हुई है सारी, क्लियर। इस साइड पर फरियाद भाई खड़े, कैसे हैं फरियाद भाई? ये सिविक खड़ी है जो उस दिन सारा हो रहा था, इस पर बेस वर्क अब सारा जो है इस पर प्राइमर लग गए। अब प्राइमर की सैंडिंग्स वगैरह होने के बाद जहाँ पे मज़ीद रिक्वायरमेंट थी फिलिंग्स की वो की जा रही है और मेरा ख्याल बोनट जो है उतारा हुआ है, बोनट इसका ये पड़ा हुआ है जी। बाकी ये वो 2006 वाली करोला का सारा सामान पड़ा है, फेंडर्स, लाइट्स, सारी चीज़, फिंडर्स और डोर्स सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं।
उसके अलावा जी ये सिविक का बम्पर अलहदा पड़ा हुआ है, उसको अभी नहीं किया हुआ। ये आपके सामने है पोजीशन गाड़ी की, काफ़ी काम खिंच गया, अब डेली बेस पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जारी होती है माशाल्लाह से। इस तरफ ये है कि जी मर्सिडीज़ बेंस आई हुई है, ई क्लास है, E200 कंप्रेसर। ये आई थी बेसिकली वर्कशॉप पे, इस पर खाली पेंट वर्क था, गाड़ी वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, बस ये था कि पेंट पेंट था। यहाँ पे पेंट जॉब के लिए आई थी और ये सारा काम यहाँ पे सेवन ब्रदर्स पे हुआ है। डिटेल में आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, जब इसका पेंट हुआ, पेंट से पहले जब इस पर प्राइमर लगा, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, दिखाया था आप लोगों को। तो पेंट बहुत ही खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह, सामने देख के उस तरह फील नहीं हो रहा कि अभी नया पेंट किया है, और एकदम से जैसे जज होता है कि गाड़ी नई पेंट हुई है, उस तरह की फीलिंग नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि अभी कटिंग पॉलिश के लिए बस आई थी, डिटेलिंग के लिए डिटेलिंग हो गई है और अब वापस जा रही है। तो माशाल्लाह, एक तो कलर कोड बहुत ही प्यारा है, इसका अपना है। दूसरी चीज़ पेंट में यानी कि सफाई ज़्यादा, एक तो बूथ की वजह भी है, दूसरा ये जो पेंट है इसमें जाला थोड़ा बारीक आता है बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के, आजकल जैसे जाला बहुत ही गाढ़ा मोटा सा आता है। तो एक तो वो वजह भी है कि पेंट में फील नहीं आ रही कि अभी जैसे कि नया नया पेंट डाला हो। तो मैंने बोला आपको ये ज़रूर दिखाएं, रिकॉर्ड करें इसको, और गाड़ी की गाड़ी के हवाले से गाड़ी भी दिखाएं। गाड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है और काफ़ी प्यारा कलर है, मुझे कलर कोड बहुत ही पसंद आया इसका। बाकी ये है कि फिनिशिंग्स वगैरह बहुत ही क्लास की आई है। साइड व्यू आप देखें गाड़ी का, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। और ये बैक लाइट्स वगैरह, फ्रंट की लाइट्स वगैरह साफ़ हुई थी, पीछे की लाइट बफ वगैरह की है मेरा ख्याल, फ्रंट का तो इसलिए बता रहा हूँ कि वो मेरे सामने हो रही थी इसलिए मुझे पता है। बाकी बैजेस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे इसका शेड है ऑटो जो आता है। अंदर से आपको गाड़ी थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ऑल्दो अंदर से डिटेलिंग वगैरह तो नहीं हुई है, पर ये है कि ये इसका देखें डोर कार्ड बड़ा लग्जरी होता है। इसमें आपका ये ऑप्शन आ जाता है साइड मिरर्स का कंट्रोलर, और नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ट्रंक का लिड ओपन, और बाकी ये आपका ऑपरेट करने का विंडोज़ का। क्रोम का हैंडल है, वुडन ट्रिम है जैसे हर लग्जरी गाड़ी में होता है, सीट बेल्ट और लेदर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन की है माशाल्लाह से गाड़ी, और कंप्लीट है। एक वो होता है रगड़ी हुई गाड़ी जिसको वापस रिस्टोर कर रहे हैं, उस टाइप की नहीं, अंदर से यानी कि अपनी स्मेल उसकी आ रही है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, ऑनर को नसीब हो, और बहुत ही प्यारी है। ये था आज का हमारा व्लॉग, माइनर सा वॉक अराउंड था मर्सिडीज़ बेंज का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, कलर बहुत ही प्यारा है, गाड़ी अपनी लुक में है। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग में नए कॉन्टेंट के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।